press the bell icon on the YouTube app and never. जब एक मौलवी 7 साल की बच्ची का कानपुर में पूरा नंग धड़ंग अरेस्ट होता है, पूरा नंगा एक 7 साल की बच्ची का रेप कर रहा होता है और उसको रंगे हाथ पकड़ लिया जाता है, तो वो मौलाना गलत नहीं होता है? एकदम गलत नहीं होता है। वो कर सकता है 7 साल की बच्ची का रेप, क्यों नहीं करेगा भाई? वो कर सकता है 7 साल की बच्ची का रेप, लेकिन उस बच्ची की मां क्यों इंसाफ मांगी? ये गुनाह है, ये गुनाह है। गलत हम है, हम क्यों अपना हेयर कलर कराते हैं, हम क्यों लिपस्टिक लगाते हैं, हम क्यों काजल लगाते हैं, हम क्यों वेस्टर्न आउटफिट्स पहनते हैं, हम क्यों खूबसूरत दिखते हैं? ये हमारा गुनाह है, हम गलत कर रहे हैं। लेकिन जो हिजाब पहनती हैं उनका बलात्कार क्यों होता है? उनका क्या गुनाह है? जो 5 महीने की बच्ची होती है उसका बड़ा। सभी को जय हिंद दोस्तों, आप सभी का हार्दिक स्वागत है इंडिया इज भारत पे। आशा करता हूँ कि आप सभी लोग बहुत अच्छे होंगे। तो आज की इम्पोर्टेंट और दमदार वीडियो में आप देखेंगे भारत की बेटी और सुप्रीम कोर्ट की दबंग वकील नाजिया लाई खान जी का दमदार और बेबाक इंटरव्यू, जिसमें वो बात करेंगी कि कैसे ममता बनर्जी के सरकार के नीचे पश्चिम बंगाल जो है वो पूरी तरह से पाकिस्तान बन चुका है, और कैसे ममता सरकार उनका जो प्रशासन है वो लगातार कोलकाता केस में सबूतों को छुपाने की कोशिश कर रहा है। तो ये वीडियो काफी इंपॉर्टेंट होगी, आपको बहुत कुछ जानने को मिलेगा, तो इसे अंत तक देखें। और चैनल पर नहीं है तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें ताकि हम आपके लिए लेटेस्ट दमदार और नॉलेजेबल वीडियोस लाते रहें। तो चलिए पहले ये वीडियो देखते हैं और अंत में इसके बारे में बात करेंगे। जय हिंद जय भारत। कि पाकिस्तान इस्लामिक देश में भी जब कोई पीर मौलाना मुल्ला जब रेप करता है तो उसके ऊपर मुस्ताकर रसूल का नारा नहीं उठता है, उसके ऊपर सर तन से जुदा का नारा नहीं उठता है, उसके ऊपर फतवा जारी नहीं होता है, उसको इस्लाम से बॉयकॉट नहीं किया जाता है। इसका मतलब है कि ये जो इस्लाम है ये मर्दों का इस्लाम बनाया जा चुका है। आज यही सेम चीज है पश्चिम बंगाल में हो रही है कि रेप मर्द किया है इसीलिए सबको चुप रहे, कोई कुछ नहीं बोल सकता है। मतलब पाकिस्तान इस्लामिक देश में औरतों को कपड़ा खोल करके मर्दों के हवाले कर देना चाहिए, और पश्चिम बंगाल में भी औरतों को, बेटियों को कपड़ा खोल करके मर्दों के हवाले कर देना चाहिए कि आइए मेरा रेप कीजिए, मुझे कुछ नहीं बोलना है। जब पीर बाबा मस्जिद के अंदर रेप करते हैं तो वो इस्लाम का नाम ऊंचा करते हैं, पर हम जब इंसाफ मांगते हैं तो हम इस्लाम का नाम खराब करते हैं, हम बहुत बुरा कर देते हैं, हम गुनाह कर देते हैं। जब एक मौलवी 7 साल की बच्ची का कानपुर में पूरा नंग धड़ंग अरेस्ट होता है, पूरा नंगा एक 7 साल की बच्ची का रेप कर रहा होता है और उसको रंगे हाथ पकड़ लिया जाता है, तो वो मौलाना गलत नहीं होता है? एकदम गलत नहीं होता है। वो कर सकता है 7 साल की बच्ची का रेप, क्यों नहीं करेगा भाई? वो कर सकता है 7 साल की बच्ची का रेप, लेकिन उस बच्ची की मां क्यों इंसाफ मांगी? ये गुनाह है, ये गुनाह है। गलत हम है, हम क्यों अपना हेयर कलर कराते हैं, हम क्यों लिपस्टिक लगाते हैं, हम क्यों काजल लगाते हैं, हम क्यों वेस्टर्न आउटफिट्स पहनते हैं, हम क्यों खूबसूरत दिखते हैं? ये हमारा गुनाह है, हम गलत कर रहे हैं। लेकिन जो हिजाब पहनती हैं उनका बलात्कार क्यों होता है? उनका क्या गुनाह है? जो 5 महीने की बच्ची होती है उसका बलात्कार क्यों करते हैं? उसका क्या गुनाह है? जो 7 साल की बच्ची थी जिसका मौलाना बलात्कार कर रहा था, पूरा नंगा अरेस्ट हो गया, पूरा एक बदन पे एक भी कपड़ा नहीं था उस मौलाना के कानपुर में, उस 7 साल की बच्ची का क्या गुनाह था? ठीक है, हम लिपस्टिक नहीं लगाएंगे, हम काजल नहीं लगाएंगे, हम वेस्टर्न आउटफिट्स नहीं पहनेंगे, हम जीन्स भी नहीं पहनेंगे, हम सुंदर नहीं दिखेंगे, हम अपने चेहरे को ढक करके, अपने शरीर को ढक करके, हम सब कुछ पूरा एक टीने का एक कवर पहन करके घूमेंगे। क्या मर्द ये लिख करके देने को तैयार है कि उसके बाद वो हमारा रेप नहीं करेंगे? ये लिख कर देने को तैयार है? हम अपनी गलती मान रहे हैं कि हम लिपस्टिक लगा लेते हैं तो मर्दों का की नियत बिगड़ जाती है, हम सुंदर दिखते हैं तो मर्दों की नियत बिगड़ जाती है, हम हेयर कलर कर लेते हैं तो हमारे हेयर को देख करके उनको सेक्सुअली फ्रस्ट्रेशन जागता है, हम वेस्टर्न आउटफिट्स पहनते हैं तो उनको हमारे फिगर को देख करके उनका उनका सेक्स ऊपर आता है। हम अपनी गलती मान ली,
हम अपनी गलती को मान लिए हैं, हमें शिक्षित नहीं होना है, नहीं होना चाहिए, हमें को एडुकेशन में जाके नहीं पढ़ना चाहिए, हमें बिल्कुल रूम में बंद रहना चाहिए, पर क्या मुसलमान साइन करने को, सिग्नेचर करने को तैयार है कि हलाला के नाम पर घर के अंदर हमारे साथ अश्लीलता नहीं होगी? दीनी तालीम और अलकुरान पढ़ाने के लिए जो मौलाना साहब घर में आएंगे वो बच्ची का रेप नहीं करेंगे? क्या इस बात को लिख कर देने को तैयार है? हम तो अपनी गलती मान रहे, एक्सेप्ट कर रहे हैं, लेकिन क्या पुरुष इस बात को सिर्फ लिख कर देने को तैयार है? क्योंकि हम बलात्कार के आरोपियों को सजा दिलाने की जब बात करते हैं तो हमारे ऊपर गुस्ताख रसूल का नारा लग जाता है, हमारे ऊपर FIR हो जाता है, हमारे मुंह पर चप्पल जूता का स्टिकर लगाया जाता है, लेकिन उन पर नहीं लगाया जाता है जो मस्जिद के अंदर रेप करते हैं, उन पर नहीं लगाया जाता है जो सुन्नत रसूल की दाढ़ी रख करके पूरे नंगे होकर के 7 साल की बच्ची को बेड पर पटकते हैं कि हम इसका रेप करेंगे। एंड आई हैव दैट वीडियो, मेरे पास वो वीडियो है, मैंने ट्वीट भी किया। तो ये मानसिकता कैसे खत्म होगी? क्योंकि जो पाकिस्तान में हो रहा है और होता आया है वो तो पश्चिम बंगाल में होना ही है, होगा ही, इसमें कोई दो राय नहीं और इसमें छुपाने की कोई जरूरत नहीं है। मैं क्यों छुपाऊंगी? मैं नहीं छुपाऊंगी। पश्चिम बंगाल में वही हो रहा है जो पाकिस्तान में होता आया है, क्योंकि पश्चिम बंगाल को घोषित किया गया है मिनी पाकिस्तान। बाकी राज्यों में बलात्कार अगर होता है उसको बचाने की चेष्टा तौबा करिए, सारे लोग रोड पर होते हैं। आज आप देखो अनम, जो बलात्कारी सिविक पुलिस है, इस इंटर्नी डॉक्टर का जिसने बलात्कार किया है, जो सिविक पुलिस अरेस्ट हुआ है, वो धर्म से हिंदू है, और इस हिंदू को फांसी के तख्ते पर चढ़ाने के लिए पूरी दुनिया का, पूरे भारत का हिंदू रोड पर है क्योंकि वो बलात्कार किया। पर मैं पूछना चाहती हूं कि नासर खान ने जब बलात्कार किया था तो कितने मुसलमान रोड पर आए थे कि इसको फांसी चढ़ाओ? पूछना चाहती हूं, एक मुसलमान। आज जो आरोपी अरेस्ट हुआ है, उस इंटर्नी डॉक्टर का को रेप करने वाला, उसका बलात्कारी हिंदू है, वो अरेस्ट हुआ है, और सारे लोग, सारी हिंदू महिलाएं, सारे हिंदू पुरुष कह रहे हैं कि वो बलात्कारी वो है, पर शर्म से नजर हमारी झुक रही है क्योंकि अब हमें भी लग रहा है कि भाई उसको हमारे हवाले कर दो, हम उसको सजा दे देंगे। ये हिंदू खुद कह रहा है। लेकिन जब खादर खान मुसलमान बलात्कारी अरेस्ट हुआ था तो क्या मुसलमानों ने यह कहा था कि उसको हमको दे दो, हम सजा देंगे, इस्लामिक तरीके से उसका औजार काटेंगे और पूरी दुनिया को बताएंगे कि मुसलमान पुरुष जो सुन्नत रसूल मानते हैं, जो अलकुरान मानते हैं, जो रसूल की उम्मत से आते हैं, वो बलात्कार कभी नहीं कर सकते? कोई कहा ऐसा? एक स्टेटमेंट दिखाइए मुझे, कोई नहीं कहा। मुसलमानों को मेरे लिए बुरा जरूर लगता है, उनका बस ना चले ना, तो आपने कहा बेल्जियम की लड़की को 5 दिन रेप किया है, मुझे 50 दिन रेप करेगा अगर मैं हाथ लग जाऊंगी तो। मैं लिख कर दे रही हूं आपको, मुझे तो 50 दिन रेप करेगा, मुझे तड़पाएगा, मारेगा, नोचेगा, काटेगा, और फिर मेरी बोटियां जो है वो गटर में फेंकेगा मुसलमान। ये मैं पूरी जिम्मेदारी से बोल रही हूँ क्योंकि मैं उनका हिजाब खोलती हूँ और मैं क्रिस्टल क्लियर बताती हूं कि आरोपी जब एक हिंदू बलात्कारी होता है तो पूरे भारत का हिंदू रोड पर खड़ा होकर के उसके उसके फांसी की सजा मांगता है, लेकिन आरोपी जब एक मुसलमान बलात्कारी होता है तो एक मुसलमान भी रोड पर आकर के ये नहीं कहता है कि इस मुसलमान बलात्कारी को फांसी की सजा मिलनी चाहिए। ये फर्क है। बहुत अफसोस है, हालांकि देर आए दुरुस्त आए। अभी इसी वक्त थोड़ी देर पहले हमारे भारत के सर्वोच्च न्यायपालिका द ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने सुओमोटो कॉग्निजेंस लिया है और 20 अगस्त को हेयरिंग है। अनम, हम छोड़ेंगे नहीं। और मैं फिर कह रही हूं, बलात्कारी हिंदू हो या मुसलमान हो, मेरा टेम्परामेंट सबके लिए अग्रेसिव ही रहेगा। अगर बलात्कार हिंदू करेगा उसके हिस्से में भी फांसी की सजा आएगी, और बलात्कारी मुसलमान होगा तो उसके हिस्से में भी फांसी की ही सजा आएगी, चाहे उसके लिए मुसलमान मुझे
बदनाम करें, मुझे काटने की कोशिश करें, मेरे ऊपर फेक और फैब्रिकेट एलिगेशंस लगाएं, मुझे से कोई आपत्ति नहीं है, मुझे कोई फर्क ही नहीं पड़ता है, पर सजा सेम होगी। भारत में संविधान चलता है और संविधान का पालन करना ही पड़ेगा। बिल्कुल मैम, और आप कि जो एक नडर होकर हर चीज का नजरिया रखने की जो एक आदत है, एक नेचर है, उससे मुझे बहुत ज्यादा मोटिवेशन मिलती है। और यकीन करें कि मैं अब समझती हूँ कि औरत सिर्फ और सिर्फ सेक्सुअल डिजायर पूरा करने के लिए नहीं बनी, और औरत जो है सिर्फ मर्दों के मतलब गंदी नजरों इन सब चीजों के लिए नहीं बनी। औरत जो है वो बहुत ही एक आला मुकाम रखती है, जिसको शायद हमारे मोशरे में बहुत ज्यादा तंग नजर कर दिया गया है। हम बाहर जाने से, इस तरह के केसेस के बाद हम बाहर जाने से डर जाते हैं, हम अपने आप को कमजोर समझने लग जाते हैं। लेकिन मुझे लगता है कि आप जैसी बोल्ड खातून जो है वो पाकिस्तान नहीं बल्कि पूरी दुनिया में पैदा होनी चाहिए। इंसाफ की दुआ करती हूँ कि खुदा करे उस लेडी डॉक्टर को इंसाफ मिले। बहुत अच्छा लगा मैम आपसे बात करके, और इसी तरह की वीडियो में हम दोबारा इंशाल्लाह मिलते रहेंगे। अपना ख्याल रखिएगा, अल्लाह हाफिज। और हमारे व्यूवर से रिक्वेस्ट है कि अगर कुछ भी कहना चाहते हैं, कोई भी अपनी राय देना चाहते हैं, नीचे कमेंट बॉक्स खाली है, दे सकते हैं। अल्लाह हाफिज, बाय बाय। नमस्कार, वंदे मातरम, भारत माता की जय। दोस्तों, आशा करता हूँ कि वीडियो को आपने अंत तक देखा होगा, और हमेशा की तरह नाज़िया अली खान जी का दमदार और बेबाक इंटरव्यू आपको काफी पसंद आएगा, जहां पे आपने देखा नाज़िया खान जी ने ममता बनर्जी को आड़े हाथों लिया, ममता सरकार पे लगातार सवाल उठाए कि कैसे ममता सरकार जो है वो सबूतों को छुपाने की कोशिश कर रही है, और कैसे प्रशासन मिलके इस केस को दबाने की कोशिश कर रहा है, पर पूरा देश इस समय गुस्से में है और रोष प्रदर्शन लगातार पूरे देश में और हर एक कोने में हो रहे हैं। आशा करता हूँ वीडियो आपको काफी पसंद आएगी। वीडियो अगर आपको अच्छी लगी है तो इसे लाइक और शेयर जरूर कर दें, और ये वीडियो का सेकंड पार्ट है। फर्स्ट पार्ट ऑलरेडी हम आपके लिए चैनल पर डाल चुके हैं, जिसे आप लोगों ने बहुत ज्यादा प्यार दिया था। तो चलिए फिर मिलेंगे ऐसी किसी जबरदस्त और इंटरेस्टिंग वीडियो में, तब तक अपना ध्यान रखिए। जय हिंद, जय भारत।